हेलो फ्रेंड्स, हम सब कैसे हो? आप सब काफी अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे। भिंडी कट कर रही हूँ और वो देख रहा था कार्टून, ठीक है, पूरा टीवी में कार्टून देख रहा था। और मुझे इधर मैं सोचा कि नजदीक आती हूँ तो पूरा अच्छा हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा रो रहा था। और अभी देखो मेरे पास आ गया है, टीवी छोड़ के अभी मेरे पास आ गया, आके बैठ गया इधर। तो फ्रेंड्स देखो, भिंडी में कुछ इस तरीके से कार्टून मतलब कट कर ले रही हूँ। वैसे सब ऐसे काट कर सकते हो, बट मुझे ऐसा पसंद है। तो मैंने आज भिंडी का कुछ नया रेसिपी बनाऊंगी, कुछ मसालेदार टाइप का। तो वीडियो पे बने रहना, वीडियो को पूरा देखना तो पता चल जाएगा कैसे क्या बनाती हूँ। पूरे बपरे देखो, नजदीक आ गया। पहले मैं कार्टून देखना था, अभी एक तो कार्टून छोड़ छाड़ के मेरे पास ही आ रहा है और इसको ही पकड़ रहा है कार्टून वाले। तो भिंडी को ना मैं सबसे पहले धो के अच्छे से साफ करके ना सूखा कपड़ा से पोंछ लिया। इसमें देखो बिल्कुल भी पानी नहीं है, मतलब बिल्कुल पानी नहीं चाहिए मुझे। तो लिया क्योंकि ये तो चिपचिपा ऐसा टाइप का रहता है ना, तो इसलिए अच्छे से मैं पोंछ पाछ लिया कपड़ा से, सूखा कपड़ा से। तो अभी कुछ इस तरीके से मैं काट कर ले रही हूँ। एक भिंडी के एक एक साइड को मैं चार टुकड़ा कर रही हूँ, मतलब एक भिंडी में मैं आठ टुकड़ा कर रही हूँ भिंडी का कटिंग के हिसाब से। तो फ्रेंड्स देखो, मुझे जितना भी चाहिए मैं भिंडी को कट कर लिया। देखो कुछ इस तरीके से कट किया और ये अच्छे से कटिंग वगैरह हो गया। अभी मुझे जाना है किचन में, क्योंकि मैं हॉल में बैठ के कट कर रही थी ना, तो इसके लिए थोड़ा सा मसाला भी रेडी करना है, सूखा मसाला। ऐसे थोड़ा मसालादार ही बनाऊंगी मैं, थोड़ा टेस्टी टेस्टी। चलो किचन में थोड़ा मसाला वगैरह रेडी करती हूँ। भिंडी के लिए देखो मैं सूखा मसाला यहाँ पे लिया, सूखा और गीला भी, थोड़ा गीला भी है। तो यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले सौंफ लिया थोड़ा सा, जितना भी मुझे चाहिए क्वांटिटी के हिसाब से लिया। ये थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक लिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और मिर्ची पाउडर। उसके बाद ये आ गया सबसे मेन चीज़, ये आमचूर पाउडर है। फ्रेंड्स देखो, ये सब जो है ना मैं सिलबट्टा पे पीस के बनाई हूँ। और ये है कॉर्नफ्लावर, ये भी चाहिए मुझे भिंडी में देने के लिए। और जो है ये थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये है चावल पिसा हुआ, थोड़ा सा चावल का आटा बोल सकते हो। तो वो अगर सूखा वाला होता तो भी चलता, और गीला है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैं ना सबसे पहले भिंडी के अंदर ना सब कुछ मिला लूँगी, यहाँ पे दे लूँगी, ठीक है। मतलब जो भी सामान यहाँ पे ली हूँ मैं, ये भी दे रही हूँ सबसे पहले इस तरीके से। और यहाँ पे हल्दी पाउडर और ये मिर्ची पाउडर, ये मैं चम्मच से दे देती हूँ। ये थोड़ा सा ना मैं बचा के रख दूंगी, ये आमचूर पाउडर और मिर्ची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर, ये मुझे फ्राई करने के बाद में चाहिए, मतलब लास्ट में थोड़ा सा मसाला गरम मसाला वगैरह वो मिक्स करूंगी और वो मैं बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नमक पूरा नहीं दे रही, नमक थोड़ा सा रखती हूँ बचा के। और देखो यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लावर दे रही हूँ और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी यहाँ से थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे भिंडी के साथ ना मैं पिसा हुआ सारा मसाला मिक्स कर ले रही हूँ। और फ्राई करने के बाद ना और भी थोड़ा सा सूखा मसाला चाट मसाला इसके अंदर जाएगा, वो बाद में दिखाऊंगी। तो फिर देखो भिंडी जो है मसालेदार भिंडी मतलब पूरा मसाले के साथ रेडी हो गया। तो अभी मैं तुरंत फ्राई करूंगी तवा पे। चलो मैं डालूंगी तेल, मैं कम तेल में फ्राई करूंगी, ज्यादा तेल मैं नहीं यूज करूंगी। तो फिर देखो तवा पे तेल दे दिया, तेल अच्छे से गर्म हो गया। और अभी मुझे टेस्टी टेस्टी मसालेदार भिंडी डालना है इसमें। तो एक बार में तो नहीं आ जाएगा फ्रेंड्स, तो मैं कम कम करके फ्राई करूंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे धीमे आंच में ना मैं ढक के फ्राई कर लूंगी कुछ इस तरीके से, एक साइड जो है अच्छे से मस्त पक जाएगा और दो चार मिनट में पक जाएगा। तो भिंडी जो है लगभग फ्राई हो चुका है कुछ इस तरीके से, देखिए एकदम भिंडी ना चिप चिप नहीं हुआ फ्रेंड्स, सब अलग अलग है लेकिन खुशबू मस्त दे रहा है। अभी मैं उतार लूंगी, ठीक है। और देखो बिल्कुल भी भिंडी ना चिप चिप नहीं हुआ, एक दूसरे का मतलब साथ जो चिप चिप हाट रहता है ना भिंडी में, वैसा टाइप का नहीं हुआ, बस मुझे ऐसा ही चाहिए था। तो हो गया मेरा भिंडी फ्राई टेस्टी। तो देखो भिंडी फ्राई हो गया और थोड़ा सा जितना बचा है वो भी फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये वाला भिंडी फ्राई होने में टाइम लगा, तब तक मैं ये वाला मैं मसाला लगा के दिखाती हूँ किस तरीके से, ठीक है, क्या क्या मसाला लगाती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर दे दूंगी ऊपर से,
तो पहले जो भी मैं फ्राई करके रखा था ना वही, और हल्का सा मिर्ची पाउडर, क्योंकि मिर्ची मैं पहले दी थी उससे लिए मैं एकदम कम दूंगी, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ही दिया। देखो एकदम भी चिपचिपाट नहीं हुआ, एकदम मतलब सही है, ऐसा करके मुझे चाहिए था फ्रेंड्स। कुछ इस तरीके से बन गया मेरा मसालेदार भिंडी फ्राई। देखो ये ना थोड़ा सा तीखा भी लगेगा और थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मतलब सब कुछ मिक्स भाजी रहेगा, और इसमें वो जो सोप रहता है ना मीठा जीरा बोलते हो, कोई भी लोग वो भी बोलते हैं, बट हम लोग सोप बोलते हैं वो भी डाला है, उसके साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो ये दाल के साथ और चावल के साथ ऐसा वाला भिंडी फ्राई अगर रहेगा तो क्या ही बोलूँ, पूरा बात बन जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। किसको किसको आज का रेसिपी पसंद है प्लीज़ कॉमेंट में जरूर बताना, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के बहुत सारा खुश रहिए, बहुत सारा खुशियाँ, बाय करिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।